नमस्कार, आप देख रहे हैं NMH न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मूलचंद मार्ग पर। यहाँ पर निरंतर शहर में जो जनसंपर्क कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जा रहे हैं। आप जो निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जनसमर्थन मिल रहा है? जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है कमल को। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें लोक कल्याण के बहुत सारे काम किए हैं। आप देखो कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम किया है। कोई गरीब यदि बिना मकान के रहता था तो उसके घर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। कोई गरीब के घर में यदि गैस का कनेक्शन नहीं था तो उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया। कोई बीमार हो जाता था तो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपने देखा होगा, लोगों ने कोरोना काल में चिल्लाए थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, मत लगाओ, मगर वो हमारे वैज्ञानिक को वैक्सीन लगाई थी और आज उनकी वजह से, वैक्सीन की वजह से कई लोगों की जान बची है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना हो, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। गरीब की थाली रहे ना खाली, तो इसके लिए गेहूँ व्यवस्था दोनों के लिए की गई है। यही नहीं, शादी होती है, एक तरफ मंडप सजता है, एक तरफ मंत्रोच्चारण होता है, एक तरफ कलमा पढ़ा जाता है, बेटी का विवाह होता है, ये दोनों के लिए। तो इन सब में ये लगता है कि कांग्रेस ने केवल फूट डालो राज करो, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से काम कर रही है, तो उसका परिणाम है कि जनता पलक पांव बिछाकर भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए तत्पर है। आप देखो, कोई गरीब, मैंने अभी मुस्लिम बहन से पूछा, आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? बोले हाँ भैया, तो हिंदू बहन को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। तो ये कांग्रेस ने कभी इस प्रकार ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है और उसी का परिणाम है कि जनता कमल खिलाने के लिए तत्पर है। आज हम जनता से आशीर्वाद लेने इधर नगर में वार्डों में निकले हैं। जनता का चेहरा मोहरे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय 17 तारीख के नज़दीक कमल वाला बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देंगे। स्थानीय क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जीतने के बाद उन्हें यहाँ करवाएंगे, विकास वगैरह क्या रहे? जनता ने मुझे 3 बार चुना है तो मैंने अधिकांश नीमच की समस्याओं का समाधान किया है। स्वास्थ्य के संबंध में हमने ट्रामा सेंटर बनाया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5 मंजिल खड़ी हो गई है, अभी हमारे नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज स्वीकृत हो गया है। हमारे यहाँ आप देखो, माँ भादोमाता कॉरिडोर बन रहा है, नीमच में औद्योगिक क्षेत्र बना है, नीमच में पानी की व्यवस्था हो रही है। अब हमारा उद्देश्य है कि जो बचे हुए काम हैं लोगों के, आज शिक्षा के लिए हमने CM राइस स्कूल स्वीकृत कर दिया है, सड़कें बना रहे हैं, और भी बचे हुए हैं वो हम नाले का सौंदर्यीकरण हो या बंगला बगीचा की समस्या का थोड़ा बहुत मामला जो अटका है उसका भी हम समाधान करेंगे और गरीब के कल्याण के हम काम करेंगे। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए बनेगी, गरीबों की दुआओं की वजह से बनेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से ही कमल खिलेगा, इसलिए सर्वहारा वर्ग के कल्याण हम करते रहेंगे। जी, आप निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, कई समस्याएं लोगों की आपके सामने आ रही होगी, क्या प्रमुख समस्याएं आ रही है जो उनको मतलब विकास चाहिए? थोड़ी बहुत समस्या आती है नगर पालिका संबंधी, वो हमने देखा है कि हमारे पार्षद सक्रिय होकर और हम हर वार्ड में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाए, कई स्वच्छता की है तो और उसको भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का बेड़ा उठाया है। इंदौर भी फर्स्ट आ रहा है तो नीमच को भी आने वाले समय में हम ऊंची पायदान पर लाएंगे और जिससे कि यहाँ की बची हुए काम भी होंगे। नीमच में कुछ इलाकों में सड़कों का मामला है, कुछ में पानी नहीं पहुँचता है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने पानी की समस्या मुख्यमंत्री पेयजल योजना में यहाँ नगर शहर की निपटाई है। यदि और भी कई समस्या होगी तो उसका भी निदान करेंगे। एक बगाना का ओवर ब्रिज है जो उसका निर्माण अभी भी शुरू नहीं हुआ, उसको लेकर भी बगाना वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। कोई नाराजगी नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब ओवर ब्रिज स्वीकृत हो गया है तो बनेगा ही, जब उसका भूमि पूजन हो गया, टेंडर हो गया, तो बनना ही है। बनने में कोई कांग्रेस ने कभी कुछ काम किए नहीं है, केवल आरोप लगाए हैं, वो नाराज है, नाराज है, हमसे कोई नाराज ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगाना का ओवर ब्रिज स्वीकृत कर दिया, टेंडर हो गया, हिंगोरिया का ओवर ब्रिज स्वीकृत कर दिया, टेंडर हो गया, नीमच से डुंगलावदा सड़क मंजूर कर दी, नीमच से बाईपास एक रिंग रोड 60 करोड़ की निकाल दी, सब काम धीरे धीरे करके सब पूरे होंगे। और आप देख लो, नीमच में जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, जो हमने कहा है वो किया है, और इन्होंने कमलनाथ जी ने खुद ने जो वादे किए थे वही पूरे नहीं किए, तो उनको तो खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्यों आरोप लगाएं। अभी मध्य प्रदेश जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नीमच आए थे तो उन्होंने
जो शिवराज सिंह चौहान है उनको चौपट प्रदेश बनाने का आरोप लगाया है और घोषणा भी बताया, उनको लेकर क्या कहेंगे? चौपट प्रदेश तो दिग्विजय सिंह ने बनाया था, मैं 18 घंटे दिग्विजय सिंह जी ने, अब मैं जब राज किया था 10 साल तक, उस मध्य प्रदेश की हालत बीमारू प्रदेश कर दी थी, टूटी सड़कें, बिना दवाइयों के अस्पताल, हताश जनता, निराश कर्मचारी थे, कर्जा छोड़ कर दिग्विजय सिंह जी चले गए थे, उमा भारती जी आई थी और उन्होंने पंचज के आधार पर काम किया, विकास किया, बाबूलाल गौर आए अयोध्या बस्ती गोकुल गांव से काम किया, शिवराज मामा हम गरीब किसान का बेटा आज काम कर रहा है, तो काम तो उनने नहीं किए, अब वो आरोप हम पे लगा रहे हैं, अरे हम तो काम कर रहे हैं और जब पब्लिक को सब नज़र आ रहे हैं इसलिए पब्लिक कमल खिला रही है। इस बार अंतिम सवाल है कि आप इस बार मतलब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कितने वोटों से आपकी जीत होगी कि क्या मान रहे हैं आप? ये जनता है, कितने भी वोटों से जिता सकती है, जनता के ऊपर है, जनता के चेहरे मोहरे देखकर, और ये कह सकता हूँ कि पहले जितने वोट प्राप्त हुए थे मुझे, जितने वोटों से जीता था उससे ज़्यादा वोटों से जनता आशीर्वाद देगी, यही अपील जनता से करने के लिए मैं घर घर द्वार द्वार मजरे मजरे गांव गांव टोले टोले जा रहा हूँ कि मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि बची हुई समस्याओं का भी समाधान हो सके, गरीबों का कल्याण हो सके। ठीक है, विधायक जी का निरंतर जो शहर में जनसंपर्क जारी है, इनके साथ बड़ी टीम महिलाओं की भी देखी जा रही है, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार यहाँ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जीत का किस प्रकार इनको आश्वासन मिल रहा है। बताएं दीदी के आप जो निरंतर जनसंपर्क में जा रहे हैं, किस प्रकार विधायक जी को समर्थन मिल रहा है, क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कहती है वो करके दिखाती है, सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से हम देख भी रहे हैं, जहाँ जहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जहाँ जहाँ माननीय विधायक महोदय का दौरा है वहाँ पर देखा होगा आपने कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाई और बहन लगे हुए हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीते ये सभी के मनों के भाव हैं और इसी को लेकर जगह जगह उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है, उनको फलों के अंदर तोला जा रहा है और आज आप ये देख रहे होंगे कि स्कीम नंबर 7 के यहाँ पर ये एक जो भव्य आपने देखा होगा अभी कि कमल के फूल में बिठा करके और उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया, किस प्रकार से फूल बंद हुआ, किस प्रकार से फूल खिलता हुआ सभी ने देखा है, तो लोगों के मनों की भावनाएं ये व्यक्त कर रहे हैं और जो जन आशीर्वाद मिल रहा है वो अपार जन आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद के साथ में ही वाकई में चौथी बार माननीय दिलीप सिंह जी परिहार पर जो विश्वास जताया है पार्टी संगठन ने, तो वो उस पर खड़े उतरेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतने का सभी ने आशीर्वाद दिया है, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, चाहे वह नव मतदाता हो, सभी के मुंह पर एक ही बात है कि कमल के फूल को ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। क्या मानते हैं आप, मतलब कितना जन समर्थन विधायक जी को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और भाजपा आएगी, कमल खिलेगा। अभी यहाँ पर देखने में आया कि स्वागत किया गया, किस प्रकार स्वागत किया गया? बहुत शानदार स्वागत हुआ, यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ और हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ भी बहुत शानदार स्वागत हुआ है और नीमच में फिर से कमल आएगा। आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कितने वोटों से विधायक जी की जीत रहेगी कि क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हमारे सामने आई है, प्रदेश में भी निरंतर विकास हो रहे हैं, देश हमारा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, इन सभी कार्यों को देखते हुए नीमच में दिलीप सिंह परिहार 25,000 से अधिक वोटों से मत से विजय होंगे और विकास की गंगा नीमच के साथ साथ पूरे प्रदेश में बहेंगी, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ भारत माता की जय। तो जैसा कि इनसे बातचीत की तो इनका कहना है कि जो जन समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से 25,000 वोटों से विधायक जी की जीत होगी, हालांकि यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि विधायक जी की जीत कितने वोटों से होती है या फिर कोई अन्य जो उम्मीदवार हैं वह जीत का सामना करेगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया NMH News के लिए।